जनरेट करके वो पेज पे सजा देता है। पेज पे सजा के तुम प्रिंट मार दो, 2700 बारकोड निकल जाएगा, 27 पेज का। 27 पेज का बारकोड एक साथ निकल हाँ गया, इस शीट पे निकलता है बारकोड। हाँ ये देखो ये ऐसे ही सीट रहता है, ये सीट है। हमारे पास और था बारकोड, सब फाकोड निकालोगे तो भी उसको चिपकाओगे और स्कैन करने जाओगे तो स्कैन नहीं होगा। इन सो केस अगर ये बारकोड किसी दूसरे हॉस्पिटल को दे दोगे तो भी नहीं होगा। ओके थर्ड ये है, इसमें और बहुत सारा ये है। जैसे मान लो रूल ये कहता है कि जहाँ पर बायो वेस्ट जनरेट हो रहा है उस जगह पर जाकर आपको पहला स्कैन करना है, फिर उस डिपार्टमेंट से जब निकल गया, जैसे मान लो न्यूरोलॉजी, ओके न्यूरोलॉजी में बायो वेस्ट निकला, वहाँ पेशेंट भर्ती है, वहाँ जो बायो वेस्ट निकला वहाँ पहला स्कैन कीजिए। सामने में आपका पैथोलॉजी है, उसमें बारकोड निकला, वहाँ आप स्कैन ओके कीजिए। ओके अब क्या है कि तुम्हारा स्टोर के पास बारकोड आया, हाँ स्टोर एलोकेशन करता है कि हमारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं 1 से लेकर 400 नंबर तक बारकोड दे दिया, पैथोलॉजी में 401 से लेकर 500 तक दिया, वहाँ कम खर्चा है, स्टोर दे दिया। तो 1 से लेकर 400 बारकोड है, उसमें से पैथोलॉजी वाला आके बोला अरे यार मेरा बारकोड खत्म हो गया, तुम अपना वाला बारकोड ढूंढना, बारकोड स्कैन करने जाएगा, नहीं लेगा। नहीं लेगा। डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन हो गया है, जाओ परमिशन कराओ स्टोर से, इतना दूर तक है सब। फिर कॉमन कलेक्शन पॉइंट पे होगा, पूरा फुल डिटेल निकलेगा, फिर तुम्हारा रिपोर्ट आएगा, ऊपर से तुम बारकोड का एंट्री भी होता है बैक एंड से। मतलब मान लो कि सब बारकोड हमारा प्रिंट हुआ, नहीं तो पैसा देके खरीदा है, तो जो बारकोड तुम्हारा स्कैन नहीं होगा, या मान लो पानी गिर गया, कुछ कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, इस बारकोड का नंबर लिखो, हम लोग को मेल करो, हम लोग वापस से केवल वही वही बारकोड प्रिंट करके दे देंगे। वो पूरा फैसिलिटी पूरा ऑटोमेट किया हुआ है। ऑटोमेट किया हुआ है। हाँ ओके सो द बॉटम लाइन इज वन बार कोड कैन बी यूज ओनली वन रन टाइम। करें। यस हाँ एंड इफ एनी एंड इफ और इसमें एनी कलर कोड है, यस ये देखो ये कलर कोड है, यस कलर कोड है ये क्या लिखा है, नॉन नॉन कोऑर्डिनेटेड रेड, रेड। ओके ये वाइट, ये येलो, देख रहे हो ना। देख रहे हैं। तो वन बार कोड कैन बी यूज ओनली वन टाइम एंड इफ एनी अदर एंड वन बार कोड कैन बी गिवन टू ओनली ओनली वन हॉस्पिटल इफ दैट बार कोड इज एनी अदर हॉस्पिटल इज यूजिंग और एनी अदर लैब इज यूजिंग दैट विल नॉट बी स्कैंड बिकॉज दैट हैज टू बी स्कैंड अंडर द प्रीमिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। एकदम। जैसे और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इस चीज का ये सप्लाई हम लोग देते हैं, ये देखो ये देख रहे हो, ये देखो पूरा भरा हुआ है, ये खोलोगे ना इसमें मेरा ये नहीं, वो नहीं, ये देखो ये देख पा रहे हो, ये देख रहे हो पूरा बारकोड, वो स्कैनर है सर, अच्छा ये स्कैनर है सर। सब अच्छा स्कैनर सजा के तो रखे ये हैं। हार्डवेयर आपको बनाना पड़ता होगा नहीं ये ये। हार्डवेयर हम वेंडर है मेरा, अच्छा वेंडर है, हाँ उस उन लोगों से परचेज करते हैं तो हमको सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है। अरे बहुत सस्ता मिलता है यार, और ये वेट करना मतलब है वेट ना, मशीन हम लोग हॉस्पिटल्स को देते हैं क्योंकि वो बैगेज वेट को वेट करना। करना है, हाँ उसका वेट भी सिस्टम में एंट्री होता हाँ है। वो भी हम लोग दिए हैं, उसका तो बहुत सारा कैलिब्रेशन का हमारे पास रिकॉर्ड भी है, अच्छा ओके रखे तो हैं। ये सब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाँ हॉस्पिटल्स को ये तो वो देखो, प्रॉपरली डिकम्पोज दी। हाँ क्योंकि वो जरूरी है ना, ये देखो हम लोग का है ना, ये कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट है, ये देखो फोर्टिस हॉस्पिटल का फोर्टिस है ना। हॉस्पिटल का उसके बाद ये देखो ये कैलिब्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन। ये 50 से 100 किलो का है ना, प्रेसिशन तुम्हारा 100 है, मिनिमम कैप 100 ग्राम, सब लिखा हुआ है ना, ये हम लोग हॉस्पिटल को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा वेट मशीन, मोबाइल फोन्स, ये बारकोड बारकोड स्कैनर स्कैनर, ओटीजी कनेक्टर, ये सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ हाँ ये सब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट उसमें हम लोग हमको, को जानते मिल हो जाएगा। लड़का लोग को लेके ढुआने में, देख रहे हो ये सब, तो ये वाला लेके जाते हैं, ये देख रहे हो वेट वेट मशीन मशीन, टू वेट द गार्बेज बैग्स ऑफ द बायो वेस्ट। ट्रेनिंग देना पड़ता है ना, तो हम ट्रेनिंग में कैसे उसको दिखाएंगे, तो इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये स्कैन हुआ, इसमें इसे झुलाओ, वेट यहाँ पे मारो। डेमो के लिए ये चाहिए, हाँ ये कर पा रखे हैं सब। ओटीजी कनेक्टर, हाँ ये किसको किससे कनेक्ट करता है, बार ये ये मोबाइल फोन को बारकोड स्कैनर से ओ मोबाइल फोन को बारकोड स्कैनर से हाँ कनेक्ट करता है। कनेक्ट कर देता है, अच्छा स्कैन करते रहो, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है ना मोबाइल का, वो बहुत स्लो काम करता है। बहुत स्लो काम तुम करता एक है। बार बारकोड स्कैन करोगे फिर दूसरे के पास ऐसे ले जाओगे, और ये क्या है ना, ये लेजर है,
बायोवेस्ट है ना, नजदीक नहीं ले जा सकते, नजदीक नहीं ले जा सकते, तो वो दूर से देख रहे हो कितना लंबा तार है, घुसा कर और दूर से ऐसे से मारते रहता है सर, खोते रहता है। सो द बॉटम लाइन इज one barcode if given to one branch of Apollo Hospital of, for example, of one area called Nampally. So that barcode cannot be used in the high-tech city Apollo Hospital branch. Correct. It will be only be used in the Nampally branch of Apollo Hospital. So every barcode given to one branch of a particular hospital or any hospital in a particular area cannot be used in any other lab or any other hospital. That is the biggest security checkpoint in our software. Second is these barcodes are only one time use. Use it one time and throw it. Use and throw. That so that every garbage bag of bio waste will be recorded in a proper manner. No. तुमको दिखा रहे हैं। रुको एक मिनट। जो कम होगा उसको दिखाएंगे। 10,000 barcode एक ही साथ मार दिए। सब पगला सब। ये लोग को मना करते हैं, बताओ 10,000 बार को